देखो गाइस, अयोध्या नगरी महल देखो कितना पुराना है यार। ये भाई अयोध्या नगरी के बीचों बीच में हम, ये है हनुमान गढ़ी। देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। ये है दशरथ महल। आगे दशरथ महल के अंदर गेट देखो कैसे हुआ करते थे पहले। ये कहाँ जाने का, मतलब कि गुप्त मार्ग है। देखो बना तो है भाई, देखो सब टूट गया है। मतलब कि महल के अंदर जाने के काफी जो छोटे मोटे द्वार थे ये वो है। सुमित्रा को सिल्जा कई कई तीनों माता को ही खीर दिया गया। तीनों माता खीर खाई, चारों भैया का जन्म हुआ। सो गाइस, ये लाइन लगी हुई है राम मंदिर के दर्शन के लिए। ये देखो गाइस, वो सामने राम मंदिर है। सो गाइस, ये लिया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, क्या हाल है मित्रों। तो मित्रों कहाँ जा रहे हैं आज? अयोध्या धाम जा रहे हैं श्री राम जी के दर्शन करने। तो मैं और अभिषेक भी है, और अभिनव और प्रदीप, ठीक है हम जा रहे हैं। सो गाइस, अभी ना पे डीजल वगैरह डलवाया है, और ये भैया देखो हमारे खुद जो जिनकी कार है भाई, वो खुद ही हवा भर रहे हैं यहाँ पे। हवा भरने वाला बंदा नहीं, बताओ भारत पेट्रोलियम पे भाई यहाँ पे बंदा नहीं है। मतलब कि जिसकी विक्कल है भाई, वही खुद उतर के भर रहा है भाई। सुबह से सिर्फ पहला एप्पल है, ये खाना नहीं खाया हमने। तो गाइस हमारे साथ तो मोए हो गई है। ये देखो, ये एयर जा रहा है पर यहाँ पे देखो जीरो आ रहा है। देखो यार हमारे साथ मोए होगी, इसमें से भाई हवा ही निकल रही। अभी जाके बात कर रहे हैं कि उनको आता नहीं डालना। आजा भाई आजा, तेरे साथ मोई होगी, आजा। A few moments later. So guys, प्रदीप भी आ गया। जी देखो ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है रास्ते में। पर एक्सीडेंट कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है, बता सकते हैं भाई कैसे हुआ? I don't know. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस अभी रास्ते में रुके हैं, कुछ खा के नहीं आते ना। तो ये रास्ते में छोले हैं, छोले नमकीन और मिर्च, ये खा रहे मस्त भाई, बहुत टेस्टी टेस्टी है भाई, अच्छा लग रहा है। तो बस ये खाने के बाद फिर निकलते हैं। सो गाइस आगे अयोध्या धाम। तो गाइस अयोध्या धाम, पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे। ये देखो आई लव अयोध्या, मेरा सामने एंट्री होते ही सबसे पहले हमने देखा सरजू घाट, इसे बोलते हैं सरजू घाट। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है, जो कि सरजू घाट का पानी यहाँ से वहाँ जाता है, जहाँ पे बंदे नहा रहे हैं स्नान कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो मुंडन वगैरह हो रहा है। सो गाइस आ गए हैं सरजू घाट, जहाँ पे भाई बंदे स्नान करते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं होता ये। ये देखो वो भाई वहाँ से देखो बांध से भाई, बांध सबसे ज़्यादा भीड़ बांध के पास है। वो देखो कितने बंदे हैं वहाँ पे, वो देखो बांध पे कितनी भीड़ है, यहाँ सब नहा रहे हैं भाई, यहाँ ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपना सामान रखते हैं और यहाँ पे हम नहाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर दर्शन करेंगे, फिर घूमेंगे अच्छे से अयोध्या धाम, ठीक है, मिलते हैं। सो है गाइस हमने स्नान कर लिया और कपड़े भी चेंज कर लिया, ये देखो सबने, ये भाई अभी कर रहा है। बस यहाँ से अब निकलने वाले हैं हम दर्शन के लिए, अब घूमेंगे अच्छे से पूरा अयोध्या, ठीक है भाई। ये पानी बहुत ठंडा है, यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी बरसतु सर्वदा श्री कंड चंदनम दिव्यगढ़ सुमारोहनम सुरश्रेष्ठ चंदनम विलेपनंदनम सुललिव कंठम सर्वदा श्री खंड चंदनम दिव्यगढ़ सुमारोहनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिकृताम या श्री स्वयं सुकृतिन भवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम कृत धिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवश्य लज्जां तां त्वांगनताश्म परिपालय देवी विश्वं नंदो गोप गृहीजाता यशोदा गर्भसंभवा त्वत्सतम नश्यामि विंध्याचल निवासिनी या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश लक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश्य लज्जां तां त्वांगनताश्म परिपालय देवी विश्वं। तो ये गाइस ये बना दिया तिलक श्री राम का। सो गाइस ये लग गया, ठीक है, इसके बाद चलते हैं यार कार में, कपड़े रख देते हैं, फिर घूमते हैं अच्छे से अयोध्या नगरी। तो गाइस ये है अयोध्या में वीणा चौक, अभी गन्ने का रस पी रहे हैं अभी, तो क्योंकि यार अभी ज़्यादा घूमना है तो पहले पी लेते हैं। सो गाइस हनुमान गढ़ी जा रहे हैं सबसे पहले। गाइस ये है राम नगरी, ठीक है, देखो ईंटों के हैं लेकिन सारे मिट्टी के बने हुए हैं, सीमेंट नहीं है उनमें। ये देखो बहुत पुराने पुराने हैं, लेकिन जो घर थे ना वो सब टूट गए, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी ये रिपेयर कर रहे हैं। अपने पास ड्राइव इतने पुराने पुराने घर हैं। ये किला है गाइस, ये देखो बहुत पुराने हैं गाइस, कितना पुराना घर है, ईंटें छोटी छोटी हैं भाई, ईंटें मतलब कि उस टाइम मिट्टी के बनते थे, देखो कितने बिस्किट जितने ईंट हैं, देखो बिस्किट जितने, देखो गाइस कितना पुराना महल है।
जय श्री राम। महल ये सब बहुत पुराना महल है ये देखो। इसी रास्ते से भाई रथ पे बैठ के श्री राम जी आते थे, दशरथ जी थे, राम जी थे, भरत थे, ठीक है, इसी रास्ते आते जाते थे। अब देखो कैसा हो गया, रोड बन गया है, हनुमानगढ़ के पास आ गए चलते हैं। तो गाइस ये हनुमानगढ़ी का रास्ता, गाइस आगे हम हनुमानगढ़ी, और ये महल देखो कितना पुराना है यार। ये भाई अयोध्या नगरी के बीचों बीच में हम, ये है हनुमानगढ़ी, देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। देखो गाइस अयोध्या नगरी, ये है दशरथ महल, आगे दशरथ महल के अंदर गेट देखो कैसे हो गए पहले के सब कुछ। भाई साहब पहले के महल कैसे हुआ करते थे यार, देख रहे हो। सो गाइस ये है दशरथ महल, अंदर से जाने नहीं देते, यहीं पर जाने देते। गाइस त्रेता युग का है महल, तो आपको पता ही होगा भाई कितना पुराना है। ये देखो ईंटें देखो, वो दरवाजे कैसे हैं इनके, ये पूरा दशरथ महल ही है। सो गाइस दशरथ महल घूम लिया है, और ये वाला जो गेट है ये 4 बजे खुलेगा, अभी विश्राम का समय है। सो इन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद आना, अगर आना होगा यहाँ पे तो ये गेट ओपन हो जाएगा। ये मेन महल है जहाँ पे अंदर रहते थे, जहाँ पे सिंहासन वगैरह हुआ। नीटे पेटो और उसके बिना पहले कैसे दीवार बनती, ये देखो कैसे बनती थी, कपड़े पता नहीं क्या बोलते हैं, कपड़ा चूने से बनती थी, कपड़े मिट्टी भी है, चूल्हा। तो गाइस देख रहे हो त्रेता युग का महल अभी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि महल के अंदर जाने के काफी छोटे मोटे द्वार थे, ये वो है पुराना है यार। यहाँ से देखो महल वो वहाँ तक है, चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्रों की प्राप्ति हेतु यज्ञशाला, ये देखो लिखा भी हुआ है यज्ञशाला, ये तो गाइस ये वो यज्ञशाला जहाँ पे दशरथ जी ने यज्ञ किया था पुत्रों की प्राप्ति के लिए। हाँ जी यही था ना, ये देखिए राजा दशरथ जी महाराज सामने वाले हैं, जो मुकुट लगाए हैं काली मोछ वाले चक्रवर्ती दशरथ जी हैं। हाँ जी, और सफेद दाढ़ी जो देख रहे हैं राजा दशरथ जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, दशरथ जी के गुरु जी हैं। हाँ जी हाँ जी, ये श्रृंगी ऋषि बाबा हैं, विश्वामित्र जी महाराज हैं, भारद्वाज मुनि हैं, कश्यप मुनि हैं, अत्रि मुनि हैं, इस यज्ञ में मुनि लोग आके महाराज दशरथ जी को आशीर्वाद दे करके पुत्र प्राप्ति के लिए अग्नि यज्ञ किया। भगवान अग्नि देवता प्रकट भय खीर लेकर के, ये अग्नि भगवान है जो कुंड में खड़े कटोरिया लिए पुष्प लिए अग्नि देव भगवान। सुमित्रा कौशल्या कैकेयी तीनों माता को ही खीर दिया गया, तीनों माता खीर खाई, चारों भैया का जन्म हुआ। कौशल्या के राम जी हुए, कैकेयी के भरत जी हुए, सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी। श्री राम नवमी जो होता है भगवान का जन्मदिन होता है। रामलला जी को सुबह में दूध का स्नान होता है, दूध का भोग लगता है, 12 मासी भोग लगता है, दूध भोग पड़ता है। पूर्णिमा के दिन राम जन्म का भोग लगता है, पक्का भंडारा होता है, संत लोग भोजन करके आशीर्वाद देते हैं। ये घंटा जो टंगा सब आप लोग का टंगा हुआ मानता वाला, शादी अच्छा का है, नौकरी का है, बिजनेस का है, घंटा लोग यहाँ मानते हैं। नीचे भरत शत्रुघ्न जी हैं, ऊपर में राम लक्ष्मण जी हैं, माता कौशल्या जी हैं, माता के कई हैं, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, और सामने राम मंदिर का काम हो रहा पूरा उधर से कई। ये देखो गाइस अमावा राम मंदिर है ये। सो गाइस ये लाइन लगी हुई है राम मंदिर के दर्शन के लिए, ये देखो गाइस वो सामने राम मंदिर है, ये लाइन देखो कितनी लंबी है। One hour later. राम मंदिर के दर्शन हो गए हैं, ठीक है, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, सब कुछ हमने मोबाइल और सब कुछ ना लॉकर में रख दिया था। सो दर्शन हो गए राम मंदिर के, बाकी यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं। तो गाइस ये लिया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, प्यारी प्यारी चीजें हैं, देखो छल्ले हैं जय श्री राम के नाम से, देखो ये राम मंदिर गदा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें अयोध्या में मिल रही हैं, ये देखो
काफी भीड़ है। और यार ये देखो बहुत पुराना है, त्रेता युग का ये महल है। ये सब तो चलो अभी बनाया गया, दोबारा तोड़ ताड़ के, मतलब जो भी टूट गए हैं। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा होता इस टाइम वैसा ही होता डिट्टो। तो गाइस शाम का समय है और ये रामनगरी, ये रास्ता वही है जहाँ से राम जाते थे रथ पे बैठ के। ये भाई सब देखो अयोध्या नगरी, अयोध्या घूम चुके हैं, मंदिरों के दर्शन हो गए हैं, तो चलते हैं अब घर। कार से आए थे इसके पास जा रहे हैं, वहाँ पे जूते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं, बाकी सामान वगैरह हमारे हाथ में है सारा। अभी हमारे साथ एक सीन हो गया था, बंदर निकाल के लेगा सामान, उसमें झुमके पड़े थे भाई। चलो चलते हैं, चलो बैठो। सो गाइस अभी यहाँ पे हम ढाबे पे रुके थे कुछ खाने के लिए, तो खा पी लिया। सो बस अब यहाँ से घर ही जा रहे सीधा, और बैटरी वेट डैड होने वाली है। सो बस यही था आज का ब्लॉग, जय श्री राम। करता हूँ ब्लॉग का एंड, मिलता है नए ब्लॉग के साथ। टाटा।